नारायण सेवा संस्थान व सेवा परमो धर्म ट्रस्ट उदयपुर राजस्थान एवं श्री दुर्गा मंदिर ट्रस्ट दुर्गापुरी के तत्वाधान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कर नारायण सेवा में विकलांग लोगों की सेवा करना और मानवता के प्रति अपनी श्रद्धा रखना था। मैं कुंज बिहारी मिश्रा, नारायण सेवा संस्थान उदयपुर राजस्थान से। मेरे साथ साथी भाई रजनीश जी और पूज्य महाराज श्री दयालु जी महाराज, सादरा दुर्गापुरी चौक दुर्गा मंदिर ट्रस्ट से, और आप सभी पधारे हुए प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के भाइयों का, संपूर्ण नारायण सेवा संस्थान परिवार, सेवा परमो धर्म ट्रस्ट उदयपुर राजस्थान की ओर से और दुर्गा मंदिर ट्रस्ट की ओर से हम आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन वंदन स्वागत करते हैं। पूज्य महाराज श्री दयालु जी महाराज, जो विगत 8-10 वर्षों से नारायण सेवा संस्थान परिवार जो उदयपुर राजस्थान में स्थित है, जहां दिव्यांग बंधुओं की शल्य चिकित्सा, उनके संपूर्ण जीवन के विकास को लेकर जो व्यक्ति वहां पर शल्य चिकित्सा के लिए आते हैं या फिर शिक्षा के लिए आते हैं, रोजगार के लिए आते हैं, पाणिग्रह संस्कार के लिए आते हैं, उनके संपूर्ण जीवन का विकास निःशुल्क कराया जाता है। और विकास तब हो पाता है जब मानसिक तौर पर भगवत कथा, राम कथा, शिव महापुराण, इस प्रकार के आयोजन जब जुड़ते हैं तो लोगों की मानसिक प्रकृति शुद्ध होती है, मन वचन कर्म से वो समाज की सेवा से जुड़ते हैं। तो पूज्य महाराज श्री ने जो बीड़ा उठाया है, यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा 2 तारीख से 8 तारीख तक यहीं दुर्गापुरी मंदिर में की जाएगी। और पूज्य महाराज श्री जो कई वर्षों से नारायण सेवा संस्थान परिवार से जुड़े रहे हैं, महाराज श्री का भी एक उद्देश्य है कि इस कथाओं के माध्यम से जो भी धनराशि एकत्रित होती है वो उदयपुर राजस्थान में दिव्यांग बंधुओं की सेवा के लिए समर्पित की जाती है, वहाँ पर उनका निःशुल्क उपचार कराया जाता है। तो नारायण सेवा संस्थान परिवार यदि आज इन मुकाम तक पहुँची है 32 वर्षों में, तो बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, न्यूज़पेपर में पढ़कर या न्यूज़ चैनल पर देखकर, लोग जब चाय पीते हैं या न्यूज़पेपर देखते हैं तो सोचते हैं कि उदयपुर इस प्रकार की सेवा कार्य कर रही है। तो ऐसे जो बंधु होते हैं जो अपनी चिकित्सा नहीं करा सकते वो उदयपुर राजस्थान भेजते हैं, तो बहुत सारे लगभग 60-70% ऐसे जो बेरोजगार बच्चे हैं जिनको शिक्षा नहीं मिल पाई है वो मीडिया के माध्यम से उदयपुर पहुंचे हैं, जिनका कृत्रिम अंग, जिनका एक्सीडेंटल केस हो जाता है, हाथ कट गया, पैर कट गया, उनको कृत्रिम अंग मिलने होते हैं तो मीडिया के माध्यम से उनको जानकारी मिलती है तो उदयपुर पहुँचते हैं, तो नारायण सेवा उनकी सेवा कर पाती है। तो हम ये चाहते हैं कि ये संस्थान परिवार आपसे निवेदन करती है कि 7 दिन भागवत कथा की कवरेज और साथ ही साथ सेवा की भावना भी जो नारायण सेवा संस्थान परिवार कर रही है, आपकी उस लेखनी कलम के माध्यम से, चैनल के माध्यम से जन चेतना को जगाए, जन चेतना को पहुंचाए, जोड़े, ताकि पूरा समाज जुड़े, नारायण सेवा संस्थान परिवार के सभी परिवार के सदस्य बने। और ऐसे लोग भी होते हैं जो सामाजिक कार्य करना चाहते हैं, लोगों के पास धन होता है, वो विचार करते हैं कोई अच्छी समाज सेवी संस्थान हो तो जहाँ हम धन देकर अपने धन की शुद्धि कर सकते हैं, तो जब वो चैनल के माध्यम से देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे तो ये उनको ये भी अच्छा लगे कि हम नारायण सेवा को कुछ मदद कर सकते हैं। तो श्रावण मास के इस पावन पर्व पर कांवड़ियों के अभिनंदन हेतु हर वर्ष कथा होती है दुर्गा मंदिर ट्रस्ट के तत्वाधान में। नारायण सेवा संस्थान की पहले भी हमने कथा की है, दीनहीन दिव्यांग बच्चों की सहायता हेतु नारायण सेवा संस्थान के जो निर्माणी पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर कैलाश मानव जी, जो पद्मश्री से भी अलंकृत हैं, महामहिम राष्ट्रपति जी उनको पद्मश्री से सम्मानित किया है, प्रतिभा पाटिल जी उस समय हमारी राष्ट्रपति हुआ करती थी 2010 में, उनको जो है पद्मश्री से, क्योंकि उन्होंने अब तक 3,68,000 दिव्यांग बच्चों का सफल ऑपरेशन कराया है, ऐसा ये शुभ कार्य कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ कथा होती है, उस कथा में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को संस्थान से जोड़ सकें, ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों को, दिव्यांग बच्चों को जो गरीब हैं, जो ऑपरेशन का खर्चा नहीं उठा सकते हैं, जो अपने पैरों पर चल कर के खड़े होकर के चलेंगे, उन्हें सुख की प्राप्ति हो, जो एक नारायण सेवा संस्थान ने सत्संकल्प लिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा, मानव साहब का तो ये संकल्प है कि दुनिया में कोई दिव्यांग ना रहे, तो उन बच्चों को ये सुख सुविधा मिल सके, ऐसा दुर्गा मंदिर ट्रस्ट का भी ये सत्संकल्प में 101 बच्चों के लिए हम
यहाँ से डोनेशन इकट्ठी करवा करके उधर भेजें, ऐसा हमने सोचा है। और भागवत कथा में एक पंथ दो काज कहते हैं कि संत चलिए सखी चलिए उस देश में जहाँ बसें ब्रजराज और दद बेचें दर्शन करें एक पंथ दो काज। ये एक पंथ दो काज हैं, एक नहीं कई कई काज हैं। पहले तो श्रावण मास का पावन पर्व, कावड़ियों का अभिनंदन वंदन, उनकी भक्ति की एक ऊर्जा भक्तों को मिलती है, उससे पॉजिटिविटी आती है, उससे लोगों में भक्तिमय माहौल बना रहता है, उसमें और भक्तिमय माहौल बन जाता है। भागवत कथा जो देव दुर्लभ कथा है, देवताओं को भी दुर्लभ है ये कथा, उस कथा का यहाँ आयोजन हर साल होता है। तो उसके चलते नारायण सेवा संस्थान के द्वारा हम 101 बच्चों का निःशुल्क ऑपरेशन करा सकें, उनको उनके पैरों पर चला सकें। यहाँ के दानवीर मोहम्मद साहू से प्रार्थना करेंगे, केवल यहाँ के नहीं पूरे भारत देश में आस्था भजन चैनल द्वारा सीधा प्रसारण नहीं, विशेष प्रसारण के माध्यम से लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भक्त आए और इस संस्था के साथ जुड़ें, हमारे साथ जुड़ें, ऐसी हमारी उनसे प्रार्थना है। और आपके चैनल के माध्यम से, आपकी प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रिक मीडिया के माध्यम से भी लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा समाचार पहुँचाए, तो ऐसी ये भावना है।